हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से जो है फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है, और इस सीरीज में जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी सब्जेक्ट्स के हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। और ये पूरा सीरीज जो है ऐसे स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर अक्टूबर महीने में अपना एग्जिट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और देखिए इस सीरीज में जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में एमसीक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जिस भी चैप्टर से, हम सभी चैप्टर्स में जो है वो हम कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू शामिल करेंगे जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही कम प्राइस में जो है आप अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका एम्स का हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन का हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम हो गया, कोई भी आर्मी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो गई, ESIC फार्मासिस्ट का एग्जाम हो गया, TSSB फार्मासिस्ट का एग्जाम हो गया, या फिर स्टेट में जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी फार्मासिस्ट एग्जाम की जो है वो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए जो है वो क्लासेस चलनी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस पूरे कोर्स में जो है आपको हिंदी में कंप्लीट तैयारी क्वेश्चन आंसर वाइज जो है वो कराई गई है, ठीक है। चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं, और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो HLL फार्मासिस्ट 2023 एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस एंड गैलन। तो देखिए, अगर आपको सही आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, लाइव कमेंट जो है वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है हिपोक्रेट्स, ठीक है। हिपोक्रेट्स को जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में अपना एडमिशन लेते हैं या फिर MBBS वगैरह कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, तो ये है हिपोक्रेट्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है चैट बॉक्स में। चलिए, इसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग के अध्ययन से कौन संबंधित है, BTUP 2023 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फिजियोलॉजी या फिर फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जहां भी क्रूड ड्रग की स्टडी होती है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखिए, बाकी जो भी आपका फार्माकोलॉजी दिया गया है, फिजियोलॉजी दिया गया है, फार्माकोकाइनेटिक दिया गया है, इसके बारे में हम इन सब्जेक्ट्स का जब हम पहला चैप्टर करेंगे उनमें हम फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इनसे रिलेटेड जब हम चैप्टर करेंगे उसमें जो है हम इन सभी टर्म्स को, हम इन सभी के डेफिनेशन को जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, ये हमारा फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है। तो देखिए,
ऐसा साइंस या फिर ऐसा फील्ड जिसमें कि हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी कहते हैं। बीटीयूपी 2023 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, तो इसमें कौन सी ऐसी क्रूड ड्रग है जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलती है। बीटीयूपी 2023 एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोरिएंडर हो गया, बीज वैक्स हो गया, काउलिन हो गया, क्लो हो गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीज वैक्स। ठीक है, यानी कि ये जो है वो आपका एक तरह का मोम होता है, और ये जो है हमें यहाँ पर मधुमक्खियों के शहद जो, ठीक है, उनका जो यहाँ पर छत्ता होता है उससे मिलता है। तो ये जो है वो आपका एनिमल सोर्स से मिलने वाला क्रूड ड्रग है। ठीक है, बाकी आपका कोरिएंडर हो गया, क्लोव हो गया, ये हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं, और जो आपके यहाँ पर काउलिन है ये आपका मिनरल सोर्स से मिलने वाला क्रूड ड्रग है। ये जो है आपका मिनरल सोर्स से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है आपका बीज वैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बीटीयूपी 2023 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज फादर ऑफ होम्योपैथी, तो होम्योपैथी का फादर कौन है। बीटीयूपी 2022 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन में दिया गया धन्वंतरी, घियासुद्दीन बलबन, हाकिम अजमल खान, सैमुअल हैनीमैन। तो आप सभी को पता है कि सैमुअल हैनीमैन जो है वो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, द साइंटिस्ट हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो जो हमारा फार्माकोग्नोसी जो हमारा टर्म है इसको सबसे पहले किसने कॉइन किया था, किसने सबसे पहले इसको दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सेडलर, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड गैलन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे टर्म फार्माकोग्नोसी है, इस शब्द को कॉइन करने का जो काम है वो किया था सेडलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, इन्होंने 1815 में जो है इस शब्द को दिया था। 1815 में जो है इन्होंने फार्माकोग्नोसी जो टर्म है इसको कॉइन किया था अपने एक बुक में, और इसका नाम था एनालेक्टिका। ठीक है, एनालेक्टिका फार्माकोग्निस्टिका, इस नाम की जो है एक बुक थी, उसमें जो है फार्माकोग्निस्टिका जो है इस नाम की जो है आपकी बुक थी, और इसमें जो है 1815 में जो है सेटलर ने फार्माकोग्नोसी जो आपका टर्म है उसको कॉइन किया था। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये शायद क्वेश्चन आपका यूपी एनएचएम एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की फार्माकोग्नोसी जो टर्म है उसको कॉइन किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द टर्म गिग्नोस्को। ठीक है, जो आपका टर्म है गिग्नोस्को इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन दिया गया ड्रग है, एक्वायर द नॉलेज, फार्माकोन एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्माकोग्नोसी ठीक है, ये जो है वो हमारा यहाँ पर ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, और इसमें एक है हमारा फार्माकोन। ठीक है, एक है हमारा फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब क्या होता है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और एक है आपका गिग्नोस्को। ठीक है, गिग्नोस्को, और इसका मतलब होता है एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, एक्वायर द नॉलेज ऑफ, जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना। तो यहाँ पर गिग्नोस्को का मतलब क्या है, गिग्नोस्को का मतलब है एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो आपकी अधिकतर क्रूड ड्रग्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, मिनरल से मिलती हैं, या फिर नन ऑफ दीज से। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं वो हमको प्लांट से मिलती हैं, ठीक है, एनिमल से मिलती हैं, और मिनरल से भी जो है वो हमें क्रूड ड्रग्स मिलती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है मोस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग्स जो है वो हमें प्लांट से मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड अदर नेचुरल
सोर्सेज, तो जहां भी आपको क्रूड ड्रग देखने को मिल जाए मतलब क्या है, फार्माकोग्नोसी है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको उसमें देखना है कि क्रूड ड्रग जो है वो किसमें लिखा गया है, और क्रूड ड्रग जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, सॉरी जो हमारा यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन उसके अंदर क्रूड ड्रग लिखा गया मतलब ये जो है हमारा फार्माकोग्नोसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, हु राइट द बुक डी मटेरिया मेडिका। ठीक है, डी मटेरिया मेडिका नाम की जो किताब है इसको किसने लिखा था, गैलन ने लिखा था, सेडलर ने लिखा था, डायो स्कोराइट्स ने लिखा था, या फिर इसको हिपोक्रेट ने लिखा था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जो आपकी ये बुक है इसको लिखा था डायो स्कोराइट्स ने जो है ये लिखा था। ठीक है, डी मटेरिया मेडिका नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा था, डायो स्कोराइट्स ने लिखा था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट 2022 एग्जाम में ये पूछा गया है, द फार्माकोग्नोसी टर्म जो है इसको कब कॉइन किया गया था, 1800 में किया गया था, 1815 में किया गया था, 1891 में किया गया था, या फिर सन 1900 में किया गया था। ठीक है, तो इसको जो है सी ए सिडलर द्वारा 1815 में उनकी पुस्तक में किया गया था, 1815 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और पुस्तक का नाम जो है अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका जो है इस पुस्तक में जो है इस बुक में जो है इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था, एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका जो है इस बुक में जो है सी ए सेटलर ने जो है सबसे पहले 1815 में जो आपका फार्माकोग्नोसी टर्म है उसको क्वाइन किया था। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है, द टर्म फार्माकोग्नोसी, जो हमारा फार्माकोग्नोसी टर्म है ये किस वर्ड से जो है इसको डिराइव किया गया, किससे जो है इसको लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया ग्रीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड, लैटिन वर्ड, और नन ऑफ दिस। तो जो हमारा यहाँ पे टर्म फार्माकोग्नोसी है ये हमारा लिया गया किससे, ग्रीक वर्ड से, और कौन कौन सा वर्ड है, पहला था फार्माकोन और दूसरा था आपका गिग्नोस्को। ठीक है, पहला था आपका फार्माकोन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है फार्माकोन का मतलब क्या होता है ड्रग, और गिग्नोस्को का मतलब क्या होता है एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ग्रीक वर्ड। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि एरिस्टोटल, जिनको कि हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, ठीक है, एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन, तो एरिस्टोटल ने जो है अपना जो अध्ययन है वो मेनली किस पे किया था, प्लांट पे किया था, एनिमल पे किया था, बैक्टीरिया पे किया था, या फिर सभी पे किया था। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर एरिस्टोटल है, अरस्तु, इन्होंने जो अपना अध्ययन है उसको किया था एनिमल किंगडम पे। ठीक है, एनिमल किंगडम पे किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन, तो जो हमारे यहाँ पर थियोफ्रेस्टस हैं इन्होंने जो है अपना अध्ययन किस पर किया था, प्लांट किंगडम पे किया था, एनिमल पे किया था, बैक्टीरिया पे किया था। तो देखिए थियोफ्रेस्टस जो है इन्होंने अपना जो स्टडी उसे किया था प्लांट किंगडम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए तो यहाँ पर एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, फार्माकोग्नोसी इज साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में जो है वो हम क्रूड ड्रग्स का अध्ययन करते हैं, इसमें हम सिंथेटिक ड्रग्स का अध्ययन नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन इंडिया अबाउट। ठीक है, पर देखिए जो हमारा यहाँ पर आयुर्वेदा सिस्टम है मेडिसिन का ये कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, तो ये हमारा 3000 साल पुराना है। ठीक है, 4000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर आयुर्वेदा का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये हमारा 3000 वर्ष जो है वो पुराना है, ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, 3000 ईयर्स एगो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एचएलएल फार्मासिस्ट 2023 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एचएलएल फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ था, सही क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन जो है वो सही से नहीं पूछा गया, इसमें जो है इनको क्रूड ड्रग जरूर से लिखना चाहिए था, या फिर इसमें इनको नेचुरल ड्रग लिखना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, ऑप्शन दिया गया स्टडी ऑफ फिजिकल
केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, इसमें जो है इनको नेचुरल ड्रग या फिर क्रूड ड्रग लिखना चाहिए था, ठीक है। एन ऑफिशियल लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड इश्यू रिलेटेड टू देयर यूज, ये हमारा नहीं सही है। द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नेचुरल ड्रग, ये भी हमारा नहीं सही है। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ड्रग, ये भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेकिन इनको ऑप्शन में जो है स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, और इसके आगे जो है इनको नेचुरल ड्रग या फिर क्रूड ड्रग जो है वो लिखना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, या फिर हु इज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोग्नोसी का फादर कौन है, एरिस्टोटल हो नहीं सकते, ये हमारे विदेशी हैं। हिप्पोक्रेट्स भी नहीं हो सकते, विदेशी हैं, ठीक है। गैलन नहीं हो सकते, विदेशी हैं। डॉक्टर चंद्रकांत कुकाटी जो हैं वो हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो हु इज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर चंद्रकांत कुकाटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिट हैं, डायोस्कोरिड्स हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं, ठीक है। तो देखिए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी जो है वो डायोस्कोरिड्स को जो है वो यहाँ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, और एक बार हम इसको यहाँ पर वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी के फादर जो हैं वो हमारे डायोस्कोरिड्स हैं, ठीक है। हु इज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, डायोस्कोरिड जो हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है, चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है सेडलर ए जर्मन साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी इन 1815 इन हिज बुक एना लेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। तो क्या लिखा गया, सेडलर जो है एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की फार्माकोग्नोसी जो टर्म है उसको क्वाइन किया था 1815 में अपनी बुक एना लेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका में, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है सिंथेटिक ड्रग, ठीक है। सिंथेटिक ड्रग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के अंदर सिंथेटिक ड्रग इंक्लूड नहीं है, इनके अंदर हम जो है ठीक है क्रूड ड्रग या फिर नेचुरल जो ड्रग्स हैं उन्हीं को शामिल करते हैं। बेंटोनाइट इज ए मिनरल ओरिजिन क्रूड ड्रग, बिल्कुल सही है। जो आपका बेंटोनाइट होता है ये आपका मिनरल से मिलता है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ दी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बेंटोनाइट इज ए मिनरल ओरिजिन ऑफ क्रूड ड्रग, ये भी हमारा सही है। तो ऑल ऑफ दी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, द लिटरेचर ऑफ सिद्धा सिस्टम, ठीक है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य। द लिटरेचर ऑफ सिद्धा सिस्टम इज मोस्टली इन, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर सिद्धा सिस्टम है ये भी आपका सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और जो भी इसके लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में है, तो ये आपके मोस्टली जो है वो तमिल लैंग्वेज में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द टर्म सिद्धा, सिद्धा का मतलब क्या होता है, द टर्म सिद्धा मीन्स अचीवमेंट नॉलेज सेंट्स एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए सिद्धा का मतलब होता है अचीवमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिदोषा, ठीक है। त्रिदोषा इज रिलेटेड टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो देखिए त्रिदोषा का मतलब क्या है, वात पित्त और कफ, और ये जो है हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ वेदा, वेदा का मतलब क्या होता है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो देखिए भारत में जो है फादर ऑफ सर्जरी जो है वो हमारे सुश्रुत हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा था सुश्रुत संहिता जो है उसको लिखा था,
सुश्रुत संहिता जो है, संहिता जो है इन्होंने इसको लिखा था, तो ये फादर ऑफ सर्जरी है, ठीक है, सुश्रुत जो है फादर ऑफ सर्जरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो इंडियन मेडिसिन का फादर कौन है, वो है चरक, जिन्होंने की चरक संहिता लिखा था, ठीक है, चरक संहिता जो है इसको उन्होंने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो है इतने सारे हमने एमसीक्यूज किए हुए हैं, और ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे एमसीक्यूज आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको शाम को 7 बजे जो है फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए हिंदी में जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है। तो आज की इस लाइव क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद।